कौन है? साहब जी, ये वही है जिसे लोग खूनखार, दरिंदा, कातिल, खूनी और न जाने क्या क्या कहते हैं। कौन? जी, अंजशा। क्या? साहब जी, ये मीना नाम की एक लड़की को बहुत चाहता था, वो भी इसे बहुत चाहती थी। उसने इससे कह दिया था कि अगर उसकी शादी इससे ना हुई तो वो अपनी जान दे देगी, लेकिन उस लड़की के माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। एक दिन जब ये अपनी बस्ती से लौटा तो इसे पता चला कि आज मीना की शादी है। बहुत रोया पीटा, मीना के माँ बाप की मिन्नत समाजत की, पर वक्त निकल चुका था। लोगों ने इसे चुप करा दिया कि कहीं लड़की की बदनामी ना हो, और ये चुपचाप इसी जगह आकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगा। बारात नीचे वादी से आई थी, दोपहर को बारात रवाना हुई और शाम को इतला मिली के बरातियों की बस खाई में गिर गई है और दूल्हा दुल्हन समेत तमाम बराती हलाक हो गए। इसे जब पता चला तो ये पागलों की तरह चिल्लाने लगा, चीखने लगा और कहने लगा कि मीना ने मेरी वजह से जान दी, और अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार समझने लगा। इसे लोगों ने बहुत समझाया कि वो एक हादसा था और लोग भी मरे, पर पागल किसी की बात कहां सुनते हैं साहब जी। उस दिन से ये ऐसे ही है। लेकिन फिर से लोगों ने इसे इस तरह क्यों शुरू कर दिया? लोगों का क्या है साहब जी, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं और किसी के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन तुम मकामी लोगों का रवैया भी इसके बारे में बहुत पुरुषराल सा है, ऐसा क्यों है? इसकी वजह है साहब जी, ये हमारे लोगों की इज्जतों का मुहाफिज है। कई बार ऐसा हुआ कि बाहर से आए हुए लोगों ने यहाँ की लड़कियों को सब्ज बाग दिखाए और उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। इसकी पुरस्कार शख्सियत की वजह से अब सब लोग कुछ करते हुए सोचते हैं, डरते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी मुहतात हो गए अब सब। यही वजह है कि हम इसके बारे में किसी को भी सच सच नहीं बताते। लेकिन वो कपल्स, वो जो कत्ल कर दिए गए, खाई में गिरा दिए गए, वो उनमें तो बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए थे। साहब जी, इसे देख के ऐसा लगता है कि ये किसी का कुछ बिगाड़ सकता है, ये तो खुद लोगों से खौफजदा है। हाँ, ऐसा हुआ होगा कि लोग इसे देख के डर के भागे होंगे और खाई में गिर गए होंगे, या फिर इसकी पुरुषरार शख्सियत का सहारा लेकर कोई अपना काम कर गया होगा। लेकिन तुम्हारा से क्या रिश्ता है? इंसानियत का। उस दिन के बाद से ये यहीं रह गया, अपने घर नहीं गया। इसकी माँ इसके लिए दुआएं करते करते मर गई, और मरने से पहले उसने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं इसका ख्याल रखूं। इंसान जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, खाने को तो मांगता है ना साहब जी। मैं ऐसे दो वक्त की रोटी दे जाती हूँ, बस उस दिन से इसके साथ हूँ, और ये सिर्फ मुझसे ही मानूस है। कभी कभी नवाज भी इधर आ जाता है। जाजी का ख्याल रखना। यार, तुम कराची जाके रमजान से कहना कि घर का ख्याल रखे, और हो सके तो तुम भी चक्कर लगा लेना। ठीक? हाँ, मैं खुद भी जाऊंगी। यार जासिम, मैं चाह रहा था कि एक दफा फिर। प्लीज यार, आई हैव बिकम सिक ऑफ दिस टाइम। अच्छा ठीक है, जाऊंगा, देखा जाएगा। यही ना बाप, चलो, तुम लोगों को देर हो रही है। नैना पी, ये आपके लिए। ये क्या है? कपड़े हैं, मैंने अपने हाथ से काटे। थैंक यू जरी, बहुत अच्छी हो।
अपना ख्याल रखना और जाजी का भी। आंटी लोगों ने लाहौर जाना है। आप बेफिक्र हैं। तुमने सच ही कहा। हम तो हमेशा ही सच कहते हैं। चलो बैठो गाड़ी। अच्छा यार। बाबू चला गया, सारे लोग उठे चले गए। वो इतने ही है। तू भी इतने कल्ला है सी? और की? हाँ। वेरी? तू ना जावी? क्यों? फिर जाजी में कौन देखेगा? बेवकूफी नहीं है गल्ला ना कर। वादी ने लोग पागल नहीं। आज नहीं देखल गल्ला बना सन। लोका ना की है? उन्हें तंजुशा नू भी बर्बाद किया। तू नौकर ना डरती है? ना जरी ना। मैं लोगों को नहीं डरनी हूँ, मैं बाऊ को डरनी हूँ। बाऊ बहुत चंगा है और नवाज ने भी स्कूल फीस दाखिल करा सी। तू मेरी फिक्र ना कर। क्यों? तू सारी उम्र इत्थे रह सी? मैं इत्थे रहा या किधरे और? मैं अपनी मंजिल पा ली। जासिम भाई आप दोनों भी चले ना हमारे साथ। भाई अब तो हम इंशाल्लाह मंगनी पे आएंगे। किसकी मंगनी? हिजाब की। कौन सी हिजाब? ये वाली हिजाब। और कौन? इसकी मंगनी कब हो रही है? हो रही है ना भाई। किससे? लड़के से। और किससे? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो जाता है भाई, किस्मत की बात है। बुरा वक्त वैसे भी बता के तो नहीं आता ना। मुझे तो खुद हिजाब पे हैरत होती है कि उसे अगर मंगनी करनी ही थी तो किसी ढंग के बंदे के साथ करती। वैसे सच पूछो ना तो सारा कसूर ही आंटी का है। हिजाब को तो कुछ पता ही नहीं है। आंटी जालिम समाज की तरह अड़ गई थी। हिजाब ने तो उसे सही से देखा भी नहीं है। तो इसे मना कर देना चाहिए, साफ इनकार कर देना चाहिए। हम कोई 50 साल पुराने जमाने में थोड़ी है कि आंटी वगैरह की तरह बगैर देखे वाले। हिजाब? हिजाब? जब तुमने उसे देखा नहीं तो क्यों तैयार हो गई? नहीं भाई, देखा है, बस सरसरी सा देखा है, इतना गौर नहीं किया ना। अरे जिसे तुमने गौर से देखा ही नहीं उससे तुम शादी कैसे कर सकती हो? मना कर दो, साफ इनकार कर दो। अरे कैसे इनकार करती, आखिर को मशरे की लड़की है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जाजी भाई, आंटी बहुत ज्यादती कर रही है जाप के साथ। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। कैसे ज्यादती भाई? इसकी मंगनी पर गालिबन शादी। गालिबन नहीं भाई, यकीनन। हाँ वही। एक बात समझ में नहीं आई भाई, लड़की की मंगनी में या शादी में ज्यादती वाली कौन सी बात? नहीं मुझे नहीं पता कुछ भी, लेकिन जाजी भाई प्लीज आप आंटी को मना करें, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब तो वाकई हिजाब शादी नहीं कर सकती, बल्कि कर ही नहीं सकती। और क्या, नहीं कर सकती। और नहीं तो क्या, जब लड़का ही इनकार कर दे तो लड़की किससे शादी करेगी? बिल्कुल। तो और नहीं तो क्या? नहीं नहीं, मैंने कब इनकार किया? करेगी करेगी। तुम्हारी भाई आप भी। मामा मामा जाजी। हाँ बेटा। बेटा सो जाओ। मामा मुझे डर लग रहा है। किसे डर लग रहा है बेटा, सो जाओ प्लीज। सावी सावी बेटा, किससे बात कर रही हो? मामा
क्या? मामा मुझे लगा जैसे जैसे जाजी आ गया है, मेरे पास है यहाँ। कितना सालिम आदमी है, एक बच्चे को अपनी माँ से जुदा कर दिया है, उसको तुम्हारी अजियत का बिल्कुल ख्याल नहीं है और अपने बच्चे के फ्यूचर का भी ख्याल नहीं है। कैसा आदमी है कुछ समझ नहीं आती। मामा मामा जाजिम ने बहुत गिरी हुई हरकत की है मेरे साथ, उसे उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मुझसे मेरी औलाद को छीन ले। उसे तो ये हक भी नहीं पहुंचता कि उसे तुम जैसी बीवी मिलती। लगता है तुम्हें और मजीद जुल्म सहने का शौक है, इसीलिए तुमने कल वकील साहब को वापस भिजवा दिया। मामा आप कल हाशमी साहब को बुलवा लें, क्योंकि अब मैं उसकी कोई जुल्म और कोई ज्यादती नहीं बर्दाश्त करना चाहती। तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसे ही करूँ। मामा मामा मैं जाजी को उससे ले लूंगी ना, तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं उसे अकेला देखना चाहती हूँ। हाँ लेकिन जाजी उसका बेटा फिर भी रहेगा। हाशमी साहब कह रहे थे कि वो जब चाहे वो उससे मिल सकेगा, और हो सकता है वो उस बच्चे को हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल करे। इसी बात से डरती हूँ। बहरहाल मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ मत रहो। सॉरी मिस सादी, मैं खुद आपके घर पे हाजिर होता लेकिन आज रात चूंकि मेरे घर पे एक तकरीब है इसलिए मैंने आपको ज़हमत दी। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम मिस्टर हाशमी। आप कोल्ड ड्रिंक लेंगी या कुछ? नो थैंक्स, थैंक यू सो मच, नथिंग। कुछ भी नहीं जी, प्लीज। ओके, आपने इस बात को माइंड तो नहीं किया कि मैंने आपको अकेले आने को कहा यहाँ पे? मैंने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आपने ऐसा क्यों कहा था? मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी थी। वैसे तो मैंने आपके केस को स्टडी कर लिया था, इवन देन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक बार फिर डिटेल से अपनी शादी और अब क्या रीजंस हैं कि आप खुला लेना चाहती हैं, प्लीज अगर आप मुझे बता दें। आंटी कब आएंगी? शायद एक हफ्ता लग जाए। और आप कब जाओगे? सभी ने एक बात, तुम अकेले कैसे रहती हो? अकेली कहूँ जी मैं, काशी है, नवाज है, जाजी है और फिर आप लोग भी तो है ना, दिन गुजरता है पता ही नहीं चलता। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी कहीं मम्मी हो चुकी है या या तुम किसी को? नहीं साहब, अच्छा है कि मेरी मंगनी नहीं हुई, वरना मैं इस तरह आजादी से घूम फिर थोड़ी सकती। काशी को ही देख ले, बेचारी की मंगनी हुई तो ससुराल की पाबंदियां लग गई, मंगनी टूटी तो वादी वालों ने जीना आराम कर दिया, उसकी बुराइयां की वो अलग घर में कैद कर दिया बेचारी को। तो अच्छा हुआ जो उसकी मंगनी टूट गई, वो बंदा इस काबिल ही नहीं था, किसी को प्यार नहीं दे सकता था और प्यार के बगैर जिंदगी गुजर ही नहीं सकती।
प्यार के बगैर बंदा जी थोड़ी सकता है। तुम कैसे जी रही हो? वो काशी है ना, जाजी को बहुत याद करती है, कहती है कि मुझे उससे मिलवाओ, बहुत प्यार करती है उसको, जबकि उसने उसको देखा भी नहीं है, बहुत याद करती है उसको। और तुम? मेरे साथ तो वो सारा दिन रहता है जी, मैं कैसे याद करूंगी। हाँ वो अपनी माँ को याद करता होगा, और आप भी। नहीं जमीन, शादी को ना तो जाजी याद करता है और ना। लेकिन उसकी माँ तो उसको याद करती होगी ना। देखो जमीन, याद वो लोग आते हैं या किया जाता है उन लोगों को याद जो उनके बहुत करीब होते हैं, जिनसे हमें मोहब्बत होती है, जो हमारे साथ होते हैं। जरूरी तो नहीं कि जो लोग साथ हैं वही याद आए। शायद शायद नहीं। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही है। ओफो, दिखाओ तो सही। गॉड, बैंडेज भी नहीं लगाया इस पे, इन्फेक्शन हो गया तो? किसी ना किसी की मार तो खानी ही पड़ती है, हामद मार ले तो अच्छा है, वरना तो जो बरादरी वाले ताने देते हैं ना जी, उनकी दुखन बर्दाश्त नहीं होती। तो तुम्हारे माँ बाप और वो जो इतने हट्टे कट्टे दो भाई है तुम्हारे, क्या कुछ नहीं करते वो? ये तो समझ नहीं आता कि वो लोग बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ। नहीं जी, पहले तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता था, बेहोश थी, उठा लाए थे, बहुत चोटें थी जी, जब चोटें ठीक हुई तो होश आया तो बच्चे याद आने लगे, बच्चे मिलने लगे तो जी वो तो फिर क्यों वापस चली गई वहाँ? हामद याद आने लगा जी। आर यू मैड, पागल हो गई हो क्या? इतना मारता कूटता है तुम्हें और फिर भी? बीबी जी, लेकिन मेरा दुख सुख तो सुन लेता था ना, मैं अपने दिल की बात कह सकती थी, किसी बात पे खुश होता था जी, खुल के हंसता था तो मुझे भी खुशी होती थी, लेकिन अपने घर की बात अपनी माँ से कैसे कह दूँ जी? मैं अपने दिल की बात नहीं कह सकती, खुश हो तो भी, दुखी हो तो भी। भाइयों को और माँ को तो जी मेरे बच्चे भी बुरे लगते थे, बाप जैसा भी हो, बच्चे तो औरत के अपने होते हैं ना जी, अच्छे हो या बुरे, पर दुनिया कब छोड़ती है, बातें करती है जी, पर बातें ना माँ सुनती है ना बाप सुनता है जी। लेकिन तुम्हारे भाई वो तो जवाब दे सकते हैं ना दुनिया वालों को, और सारी दुनिया जानती है कि हफीज तुम्हें बहुत मारता है, फिर भी? भाइयों की शानें कितने ही चौड़े क्यों ना हो बीबी जी, घर बैठी बहन के लिए लोग जो बातें करते हैं ना जी, तो भाइयों के सर नहीं उठते जी। ये तो तुम्हारे माँ बाप, कोई नहीं होता जी किसी का, औरत का कोई घर नहीं है सिवाय हामन के, जो हर दिल में बेटी बुरी लगने लगती है जी। मैं और मेरा बेटा खूब घूमेंगे फिरेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, फिर मजे से सो जाएंगे। नहीं पापा, आनी के घर जाएंगे। हाँ बेटा, आनी घर भी चलेंगे। हेलो, हाँ यार कैसे हो भाई? मैं तो वैसे ही जैसे पहले था। सही कह रहे हो तुम, बाकी अब तक उतने ही बेपरवाह यार, कम से कम कराची पहुंच के तो खैरियत का फोन तो कर देते यार। ये सब गलती नैन की थी, मैंने उसे कहा भी था कि आंटी को फोन कर दे। बहरहाल तुम कैसे हो? और जाजी? हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत मगन। अच्छा यार, मेरे काम करना यार, मेरे एक दोस्त हैं कराची में, एडवोकेट अहमद कमाल, तुम जानते हो ना उन्हें? हाँ जानता हूँ। यार जाके जरा मिल लेना यार उनसे। अगर ये काम तुम खुद आगे कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा यार। इतना एक छोटा सा काम है और तुम नहीं जा सकते? मेरे नजदीक से बड़ा और खौफनाक काम कोई नहीं है यार, प्लीज। अच्छा नैन का है?
वो अपनी अम्मी के घर गई हुई है। और जरबीना कैसी है? बहुत अच्छी, मेरा मतलब बिल्कुल ठीक है, अभी अभी यहीं पे थी, अभी गई। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। पापा आपने फोन क्यों बंद कर दिया? मैंने अंकल से बात करनी थी। बेटा अंकल ने फोन रख दिया, मैंने थोड़ी रखा था फोन। और अंकल कह रहे थे कि जाजी को बहुत प्यार करना है। यार प्यार करना उस दिन उन्होंने बिजनेस की कोई बात नहीं की। वो दरअसल आपसे पहली मुलाकात थी ना, शायद वो ये अंदाजा लगाना चाह रहे हो कि कहीं मैंने गलत लोगों का इंतखाब तो नहीं कर लिया। आप मेरी बात समझ रही ना? I mean के... हाँ बात तो ठीक है, इंसान पहली मुलाकात में किसी पर भरोसा थोड़ी कर सकता है। वैसे तो आंटी असल में वो मुझ पे ही भरोसा नहीं कर रहे थे, आप लोग तो खैर। हाँ लेकिन वो सादी को देखना चाहते थे। आंटी सादी ठीक तो है ना? नहीं सादी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, उसे रेस्ट की जरूरत है, इसीलिए मैंने उसे 2-4 दिन दफ्तर जाने से रोक दिया है। तुम किसी और को अपने साथ लगा लो। ठीक है। वो आंटी वो केस का क्या हुआ? केस फाइल कर दिया गया है। ओह गुड। हाय लड़जाजी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? क्या हो जाता? डर के मारे मर जाती तो? अल्लाह ना करे, तू ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और जाजी सॉरी करो जरमीने से, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। कैसी बातें करें साहब जी, इसके डराने से कोई मैं डरूंगी क्या? चाय निकालो आपके लिए। जरमीने तुम माइंड तो नहीं करती, मेरा मतलब है कि बुरा तो नहीं मानते हम लोग तुमसे, ये सारे काम लेते हैं। मैं सिर्फ वही काम करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। हमारा दिल नहीं लगता नैन बीबी। बस जासिम वगैरह आने वाले होंगे। कब? आज? बस 2-1 रोज में। तुम शादी से नहीं मिले? नहीं नैन बीबी, इतने दिनों तक वो आए नहीं, बस एक मरतबा आई थी अपनी वालदा के साथ, अपनी जरूरत की चीजें ले गई। तुमने उसको देखकर ये महसूस नहीं किया कि वो खुश है कि गमजदा? सच्ची बात बताएं बीबी, इनमें और जासिम साहब में ऐसा कोई झगड़ा नहीं कि बात यहाँ तक पहुँचती, हम तो खुद हैरान है कि ये सब हुआ कैसे। अगर उस रोज सादी बीबी की अम्मी ना आती तो हमेशा की तरह जरा देर में सब कुछ ठीक हो जाता। अच्छा ठीक है, आप जाके माली को देखें कि उन्होंने लॉन साफ किया या नहीं किया। ये अच्छा बीबी। हेलो, सादी से बात कराइएगा प्लीज। जी सादिया बीबी तो ऑफिस गई हैं, रात को आएंगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। जी सादी से बात कराइएगा प्लीज। जी वो तो अदील साहब के साथ गई हैं। किस शूटिंग पे गई हुई है वो? पता नहीं जी, आप नाम बता दें मैं मैसेज दे दूंगा। अच्छा चले ठीक है, थैंक यू। मैं उनको फिर घर पे चेक कर लूंगी। थैंक यू। आनी आप भी चले ना। मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा घर यहाँ है, आपका घर वहाँ है, भला कोई अपना घर छोड़कर भी जाता है? हम जो आए थे घर छोड़कर, अब वापस भी तो जा रहे हैं। हम लोग दोबारा लौट कर आने के लिए जा रहे हैं। मैं दुआ करूंगी कि बस आप चले ना। अच्छा ऐसा करते हैं, अभी आप और पापा जाओ, मैं बाद में वहां आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी आएंगी ना? जल्दी आऊंगी।
ठीक है। जर्मी ने जाजी तुम्हें बहुत बहुत याद करेगा। दो चार दिन अपनी माँ के साथ गुजारेगा ना, भूल जाएगा मुझे। नहीं जर्मीने, हम दोनों अब कभी उसके साथ नहीं रहेंगे। वो मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहती है। मैं जाजी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और वो किसी की परवाह नहीं है, किसी की नहीं। बहरहाल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम दोनों का इतना ख्याल रखा। तुम्हारी तुम्हारी खुलूस, तुम्हारी मोहब्बतों को हम कभी भूल नहीं सकेंगे। शायद हम दोनों इसी मोहब्बत के ही तरसे हुए थे। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जाजी को वो सब कुछ दूंगा जिससे वो महरूम रहा था। सादी प्लीज, मुझे तुम सिर्फ इतना बताओ कि जाजी कैसा है। जाजी खुश है। विदाउट मी दैट्स इम्पॉसिबल, आई डोंट बिलीव दिस। मेरे बगैर वो कैसे खुश हो सकता है? कोई काम किसी के बगैर रुकता नहीं है, बस एक खलास ही रह जाती है। और तुम वक्त को तो रोक भी नहीं सकती। जासिम तुम्हें चाहता है और जाजी तो तुम्हारा अपना बेटा है। तुम पता नहीं किस वजह से इतना बड़ा नुकसान कर रही हो। देखो नैन, जैसी जिंदगी मैं गुजारती आई हूँ वैसी जिंदगी अब मैं नहीं गुजार सकती। वो सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। कैसी जिंदगी और कैसे होती है जिंदगी? जासिम तुम्हें अपने करीब चाहता है, जाजी को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें ये सारा नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम बहुत गलत फैसला करी हो सादी। माएं तो अपनी बेटी की खुशी चाहती हैं। ये कैसी माँ है कि वो तुम्हें घर बिगाड़ने का मशवरा दे रही है? Excuse me, man. Mind your language. आखिर तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मेरी माँ का नहीं। देखो झगड़े मुझसे किए गए थे, पाबंदियां मुझ पे लगाई गई थी, मेरी माँ पर नहीं। ये पाबंदियां नहीं होती हैं सादी, ये तो बड़े नसीब वालों के हिस्से में आती हैं। थैंक यू सो मच नैन, पर आई एम सॉरी, मैं बहुत बिजी हूँ। तुमने तो अपने तौर पर ये मशवरा मेरी भलाई के लिए दिया था, पर आई एम सॉरी, अब ना सिर्फ मैं फैसला कर चुकी हूँ बल्कि ये केस अब अदालत तक पहुँच चुका है। ठीक है सादी, तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर लो। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जाजी जर्मीने के बगैर नहीं रह सकता और जासिम भी फैसला कर चुका है। बाय। जाजी बहुत याद आओगे, आप चले। वादी का रास्ता खतरनाक है, शाम होने से पहले चले जाएं तो अच्छा है। मैंने आंटी से बात कर ली थी कि तुमसे चाबी वापस ले लें, हमें याद करोगी ना? कैसे भूल सकती हूँ, आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ कहो। चाची को एक बार, सिर्फ एक बार उसकी माँ के पास ले जाइएगा। क्यों? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, सिर्फ एक बार। कोई फायदा नहीं है जर्मीने, वैसे भी मैं पीछे पलट कर नहीं देखना चाहता, सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ। बस आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन अगर कोई फायदा नहीं है तो कोई नुकसान भी तो नहीं है। अच्छा मैं कोशिश करूंगा, तुम अपना और अंजुशा का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। लाफ़ बेटा।
Let me tell you one thing, Mr. Hashmi. मेरे लिए इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मेरी औलाद है। I just want my kid. That's it. जी हाँ, मैं जानता हूँ, उसमें कोई शक की बात नहीं कि हर माँ के लिए सबसे कीमती चीज़ उसकी औलाद होती है। आप ये बताएं कि पेशी कब है? Saturday. Saturday जैसम को आना चाहिए। तुम्हें फिकर करने की ज़रूरत नहीं चाहती, ना ही तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। मैं और आशमी खुद ही संभाल लेंगे। नहीं अदिल, मैं खुद वहाँ जाऊँगी। Alright, मिस्टर आशमी, I'm sorry, मुझे कहीं पहुँचना है, बहुत टाइम हो गया। अदिल साहब यहाँ पे हैं, अगर कुछ भी आपको डिस्कस करना हो, ओके? ओके। आप इनसे बात कर सकते हैं। ओके। अदिल साहब आप यहाँ से फ्री होते हैं, ऑफिस पहुँचना। ना आपको। यार अदिल, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? I mean, अगर तुम दौलत कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें दौलत कमाने की इससे बेहतर और अच्छे तरीके बता सकता हूँ। बल्कि तुम्हारे डैडी को यकीन दिलाने की कोशिश कर सकता हूँ कि तुम बड़े हो गए हो और कारोबार कर सकते हो। मेरे ख्याल में मुझे भी चलना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी फिर नसीहतें शुरू हो गई हैं। मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा। बहरहाल देखो आशमी, दो बातें अच्छी तरह याद रखना। पहली ये कि तुम मेरे फ्रेंड हो, और दूसरी ये कि तुम एक बहुत मशहूर वकील हो। और अब तो मैं तुम्हें सोच रहा हूं कि अपनी कंपनी का लीगल एडवाइजर भी बना लूं। दो बातें तुम भी मेरी याद रखो। पहली ये कि मैं अब मजीद कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, और दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ एक बात याद रखता हूं, जो कि उसूलन तुम्हें भी बल्कि सबको याद रखना चाहिए कि सबसे पहले हम इंसान हैं। अब बोलो क्या बात है? यार ये केस किसी तरह जल्दी से निपटा दो बस। नहीं हो सकता, क्योंकि अदालत 3 महीने का टाइम देती है और शरण भी ऐसा है, लिहाजा मैं कुछ नहीं कर सकता। 3 माह? ये तो बहुत टाइम हो जाएगा यार, अगर डैडी आ गए तो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि डैडी से आंटी का टकराव ना हो। मैं ये चाहता हूं कि शादी से पहले ये बात ना करो। अदील अदील, यार तुम सब कुछ सच सच क्यों नहीं कहते? अगर तुम लोगों से सच कह दिया करो तो तुम्हारे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो। I wish के अच्छा वक्त खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाए। अबे यार, मैं कल फोन करूंगा तुझे। जाजी बेटे खाना नहीं खाए। क्या हो गया जाजी बेटा, क्या बात है, क्यों खाना नहीं खा रहे वहाँ? पापा ये आने जैसा खाना नहीं पकाते। बेटा आनी तो यहाँ पे नहीं है ना, खा लो प्लीज, मैं वैसे बहुत परेशान हूँ। चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। पापा आप खाना निकालिए, मैं आता हूँ इसको लेकर। चलो Thank you.
देखो तो बाहर कौन है। आओ